सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चल मचाते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है और आज होने वाला है हमारा 18वां रोजा, मतलब 18 रोजे हो चुके हैं, मतलब आज 18वीं सहरी करेंगे, 17 रोजे हो चुके हैं और ये हमारा 18वां रोजा स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से फटाफट सहरी करते हैं। दोस्तों पारा पढ़ लिया है मैंने, अब चलते हैं किचन में, थोड़ा सा ओट्स बनाएंगे और ओट्स मिल लेते हैं, जल्दी से लाइट जलाते हैं और फटाफट ओट्स बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे ओट्स बनके रेडी हो चुके हैं और ये थोड़े से गर्म है तो ठंडे हो जाएंगे, फिर इसे खाना स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि पारा थोड़ा सा पढ़ना था तो पारे को पढ़ लिया है मैंने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और जल्दी से सहरी कर लेते हैं फटाफट, टाइम बहुत कम बचा है, अजान होने वाली है अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 15 मिनट बचे होंगे, तो फटाफट सहरी करते हैं और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ के लिए चलेंगे। तो दोस्तों जस्ट अभी मैंने सहरी कर ली है और नियत भी कर ली है, अजान का वेट कर रहे हैं, अजान जैसे ही होगी वैसे ही हम फजर की नमाज़ के लिए निकल जाएंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों मेरी फजर की नमाज़ हो चुकी है, जस्ट अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं और थोड़ा सा व्लॉग को एडिट करना है तो उसे भी एडिट कर लेते हैं और फिर अपलोड करेंगे। दोस्तों हमने सारी इफ्तारी रख ली है, अब ससुराल शरीफ में चलेंगे और वहाँ जाके साथ में रोज़ा खोलेंगे। तो बीवी ने प्लानिंग करी है कि आज रोज़ा वहीं हम इफ्तार करेंगे, यहाँ से इफ्तारी ले जाएंगे अम्मा के साथ, रोज़ा इफ्तार करेंगे क्योंकि वहाँ पर रायना का भी आज बर्थडे है, तो इसी के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहीं पर रोज़ा इफ्तार करेंगे और अम्मा के साथ करेंगे। तो चलते हैं फटाफट क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों जस्ट अभी मैं घर आया हूँ और मेरी तरावी हो चुकी है, तरावी पढ़ ली है और बहुत भीषण भूख लग रही है, खाना खाएंगे। आज रायना का बर्थडे भी है तो सेलिब्रेट शायद उन्होंने कर लिया होगा, फ़ोन तो आ रहे थे मेरे पास, बाकी मैं तरावी पढ़ने गया था तो अटेंड नहीं कर पाया, अभी आया हूँ तो चल के देखते हैं वहाँ पर कि रायना का केक कट हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी मैं खाना वाना खा लिया है मैंने और मैं बेड पे आया था अपने, और तरावी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पैर दुख रहे हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई थी तरावी। और मैं गया था तरावी पढ़ने के बाद ससुराल शरीफ में, तो वहाँ पे मैं इसलिए गया था क्योंकि रायना का जो बर्थडे था उसके बर्थडे का केक कटवाने के लिए, बाकी उन्होंने पहले ही बच्चों ने केक कट कर लिया था क्योंकि बच्चे हैं, वो बच्चों को थोड़ा इतना पेशेंट नहीं होता है कि वो इतनी देर तक रुक जाए, और मेरी तरावी थोड़ी लंबी चलती है तो मैं आया था तरावी पढ़ के तो सीधा वहाँ गया था, तब तक केक कट चुका था, तो फिर खाना वगैरह खाया और जस्ट अभी हम घर आए और बीवी ने बनाई है गर्मा गर्म चाय, पीने का दिल तो नहीं था, नींद आ रही थी, बाकी बीवी ने बना ली तो बहुत अच्छी बात है, पी लेते हैं। और उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दोस्तों रोज़ा खोलने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ा खोलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के सेल्स के लिए, आपके हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम होगी और आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा होगा और आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल होने लग जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। मेरी बीवी नहीं पीती है, बाकी आप ज़रूर पीजिए। तो दोस्तों चाय पी ली है और चाय पीने के बाद मुझे बहुत भीषण से भी ज़्यादा भीषण नींद आ रही है, क्योंकि सहरी में उठना है और थोड़ा सा सर भी भारी भारी सा लग रहा है, तो जल्दी से क्या करते हैं कि सो लेते हैं और नींद पूरी हो नहीं पाती है। ये नींद का जब टाइम आता है ना, मतलब जब नींद लगती है तब सहरी का टाइम हो जाता है, तो फिर उठना पड़ता है, तो वो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती, 8 घंटे की जो कंटिन्यू नींद होती है ना वो नहीं हो पाती, तो फिर क्या है कि फजर की नमाज़ के बाद बहुत नींद आती है, तो हम जल्दी से सो जाते हैं और उठेंगे तहज्जुद में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए।